मीडिया चैनलों ने ये खबर दी कि झारखंड के गिरिडीह जिले के डोकेडी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शाकिर हुसैन के नामांकन जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। झारखंड पुलिस ने 21 अप्रैल को शाकिर हुसैन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। न्यूज 18 ने वहां मौजूद इंडियन रिजर्व बटालियन के फोर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये नारेबाजी उनके सामने होती रही, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। कई मीडिया चैनलों ने इस जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जाने की बात कही। इस लिस्ट में जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, दैनिक जागरण, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, हिंदुस्तान, NDTV, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, रिपब्लिक भारत, दैनिक भास्कर शामिल है। राइट विंग प्रोपोगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया और RSS की मुख पत्रिका पांचजन्य ने भी यही दावा किया। ये वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर इसी दावे के साथ वायरल है। आइए जानते हैं इस वीडियो की असलियत क्या है। मामले की जांच करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने डोकेडी के स्थानीय लोगों से संपर्क किया, जिन्होंने हमें बताया कि जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए थे। लोगों ने हमें कुछ वीडियोस भी भेजे। ये वीडियो उसी समय का है जब वायरल वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। हमने वायरल वीडियो से इन वीडियोस के फ्रेम का मिलान भी किया। ये वीडियो अच्छी क्वालिटी में थे और इसमें नारे साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। हमें वायरल वीडियो के अलावा ऐसे 2 वीडियो मिले। हमने इन्हें स्लो मोशन में देखा तो पाया कि वीडियो में शाकिर हुसैन जिंदाबाद, शाकिर हुसैन जिंदाबाद, डोकेडी पंचायत का मुखिया कैसा हो, शाकिर हुसैन जैसा हो के नारे सुनाई दिए। आप खुद ये बात इस वीडियो में सुन सकते हैं। हमें स्थानीय लोगों से जो दूसरा वीडियो मिला उसमें नारे और स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं और ये कतई पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है। वहाँ शाकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगे थे। झारखंड के गिरिडीह जिले के डोकेडी मुखिया प्रत्याशी शाकिर हुसैन के नामांकन जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए थे। वहां शाकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगे थे। कई प्रमुख मीडिया चैनलों ने बिना जांच किए ये झूठा दावा चलाया कि नामांकन जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अक्सर ये गलत जानकारी देखने को मिलती है। हाल ही में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों द्वारा जयपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का गलत दावा भी किया गया था।